गाइज, एक फेमस बिलियनियर फ्रीजर की कहानी से हम ये जानेंगे कैसे बिजनेस माइंडसेट बिल्ड किया जाता है और कैसे अपने फेलियर को सक्सेस में बदला जा सकता है। वाकई फ्रीजर की कहानी मोटिवेशनल रही है, जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। गाइज, फ्रीजर की कहानी बताती है कैसे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फ्रीजर खुद कहते हैं कि मैं जब 8 साल का था तो मेरे घर के सामने एक फार्मर रहता था जिसका चिकन का फार्म था। पता नहीं क्यों मुझे ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस बिजनेस में तो बहुत कम एफर्ट है, बस चिकन को फीड करो और उसके बाद अंडे मार्केट में बेच दो। तो मैं ये सोचकर उस फार्मर के पास गया और उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ अंडे दे दें। और उस फार्मर ने हमें एक बॉक्स में काफी सारे अंडे फ्री में दे भी दिए। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास आया और उन्हें मैंने अपना बिजनेस प्लान बताया। पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बाद में वे मान ही गए। शायद से उनको लगा होगा ये तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है जो जिद में ऐसा बोल रहा है, इसलिए वे मान गए होंगे। लेकिन मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं सोच रहा था कि इन अंडों को हैच करूंगा जिससे मुर्गियां पैदा होंगी और फिर वो अंडे देंगी तो मैं उन्हें बेच दूंगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोटा लड़का ही मान रहे थे कि इसके बस का इन अंडों को हैच करना है ही नहीं। मैंने उस अंडे के डब्बे को अपने टीवी के ऊपर रख दिया। उस वक्त के टीवी एक बड़े से डिब्बे की शेप में आते थे और वे चलते हुए काफी हीट हो जाते थे। और सरप्राइजिंगली थोड़े ही दिनों के बाद 4 अंडे हैच भी हो गए और उन चिकन्स के लिए हमने गार्डन में एक छोटा सा घर भी बना दिया। इन चारों को हमने नाम भी दिया। और जब उन चारों ने अंडे दिए तो मैंने उनको अपने पड़ोसियों को सेल करना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आया तो मुझे पता चला कि एक फॉक्स ने हमारी सारी मुर्गियां खा ली हैं। उस दिन मैं बहुत ही दुखी हुआ। ये मेरे बचपन का सबसे पहला बिजनेस था जिसे मैंने ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। इसके बाद भी मैंने कई बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन फिर मैंने एक फुल फ्लैश कंपनी खोली जिसे मैं आज भी चला रहा हूँ और जिसने मुझे बिलियनर बनाया। जिसकी शुरुआत स्कूल की छुट्टियों में अपनी ग्रैंडमा के घर पर जाने से होती है। मैं उनसे मिलने गांव गया था। वहां पर मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर हमेशा की तरह जैम बना रही थी। वो बहुत ही टेस्टी जैम बनाया करती थी। मुझे पता नहीं क्यों उस दिन जैम बहुत ही टेस्टी लगा और मैंने अपनी ग्रैंड मदर से कहा कि मुझे भी ये बनाना सिखाओ। उस दिन हमने कई घंटों तक जैम बनाया और उसे जार में भर दिया। उसके बाद मैं भागकर सुपरमार्केट गया और कुछ फ्रूट्स लेकर आया और खुद दोबारा से जैम बनाई। और इससे पहले कि जैम ठंडी हो जाए मैं उस जैम को लेकर अपने नेबर्स के पास चला गया और उनसे पूछा कि उन्हें मेरी बनाई हुई जैम कैसी लगी। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की और उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उसकी बनाई हुई जैम काफी अच्छी लगी, वो उसके लिए पे भी कर सकते हैं। इसके बाद से कंटिन्यूअसली मैंने अपने पड़ोसियों को जैम बेचना स्टार्ट कर दिया। एक लोकल न्यूज़पेपर ने मेरी स्टोरी भी कवर की कि कैसे एक सिर्फ 15 साल का लड़का बन गया एक बिजनेसमैन। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ गया जब मैं पूरा दिन अपने घर के किचन में सिर्फ जैम ही बना रहा था और हफ्ते में 1000 जैम्स की बोतल बेच देता था। लेकिन इससे मेरे घर वाले थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें अब किचन में खाना बनाने में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस वक्त मुझे लगा कि अब मुझे जैम किसी फैक्ट्री से बनवाना चाहिए। इसके लिए पहले मैंने जैम्स के बारे में बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि जैम की सेल्स हर साल घटती जा रही है क्योंकि एक तो हर जैम में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और दूसरा लोगों को जैम में कुछ नया ट्राई करना था। मैंने बहुत सी रेसिपीज ट्राई की और फाइनली मुझे एक तरीका पता चल गया जिससे मैं एक बहुत ही टेस्टी जैम बिना चीनी के बना सकता था, यानी 100% फ्रूट की हेल्प से और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। और मैंने डिसीजन बनाया कि मैं इस जैम को सुपरमार्केट्स में भेजूंगा क्योंकि इन लोगों के पास बहुत से स्टोर्स होते हैं जिससे मेरी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मैं एक वेट्रोज नाम के सुपरमार्केट चैन के पास गया जो मेरे जैसे नए लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल करने का चांस देते थे। वो बहुत हैरान हुए कि एक टीनेजर हमें पिच सेल करने आया है। उसने मुझसे कहा कि मेरा 100% फ्रूट जैम का आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहले मुझे इसके लिए प्रॉपर पैकेजिंग तैयार करनी पड़ेगी, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसका प्राइस कम करना होगा और थोड़ा सा रेसिपी में चेंज लाना होगा, तभी वो मेरे जैम को अपने सुपर मार्केट में सेल करने को तैयार होंगे। इतना सुनने के बाद मैं बहुत खुश हो गया और ये मेरा सपना बन गया था कि मुझे एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना है। मैं काफी सारे डिजाइनर्स और मार्केटिंग के लोगों से मिला। हमने अपने जैम का नाम सुपर जैम रखा। इसके लिए मैंने बहुत सारे पैकेजेस तैयार करे क्योंकि सुपर जैम सुपर ह्यूमन की तरह लगना भी चाहिए। तो इस ब्रांड के लिए हमने काफी सारी स्टोरीज तैयार की जिससे हम लोगों को ब्रांड के बारे में बता सके। फिर मैं जैम की फैक्ट्री के चक्कर काटने लगा ताकि वे मेरे लिए जैम बनाने को तैयार हो जाएं, जिससे मैं लार्ज स्केल पर जैम्स प्रोड्यूस कर सकूं। मोस्टली हर फैक्ट्री के ओनर ने मुझे जैम बनाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें मेरे प्रोडक्ट पर विश्वास ही नहीं था। वे सोच रहे होंगे ये एक लड़का है और इसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक फैक्ट्री ओनर मेरे इस आइडिया को ट्राई करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उनकी जैम की सेल्स बहुत कम हो गई थी
और उससे उनकी कई मशीन्स फ्री थी जिन पर मेरी जैम रेसिपी ट्राई की जा सकती थी। अब जैसे ही मैंने अपने नए बनाए जैम्स का स्टॉक सुपरमार्केट लेकर गया तो उन्होंने मेरी हर चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस फैक्ट्री से मैं जैम बनवा रहा हूँ वो बहुत ही कॉस्टली है, जिस वजह से प्रोडक्ट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। यहाँ तक उनको मेरी ब्रांडिंग का तरीका भी पसंद नहीं आया, उनको मेरी जैम का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा और इस चीज पर मैंने ऑलमोस्ट एक साल वेस्ट कर दिया था। थोड़े दिनों तक मैं परेशान रहा लेकिन मैंने फिर से ट्राई करने की सोची। मैं दोबारा से एक्सपर्ट से मिला और उन्होंने मुझे पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि किस तरीके से एक अच्छी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की परसीव वैल्यू को इंक्रीज कर देती है, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताए जहां पर एक पैकेजिंग को चेंज करने से सेल्स बढ़ गई थी। फिर मुझे ब्रांड के बारे में पता चला। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में 10 रीजंस देना चाहते हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स उनका प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन बेस्ट ये है कि सबसे बेस्ट रीजन लाओ और सिर्फ वही एक रीजन बार बार अपने कस्टमर्स के सामने बोलो और यही रीजन आपके प्रोडक्ट में भी दिखना चाहिए। और मुझे भी मेरा बेस्ट रीजन पता चल गया और ये था 100% फ्रूट्स। इसके अलावा मैंने अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं की। मैंने दोबारा से नई फैक्ट्री ओनर को ढूंढा और नया प्रोडक्ट ट्राई किया। मैं दोबारा सुपरमार्केट गया, उन्हें अपने प्रोडक्ट, उसकी कॉस्टिंग और उसके मार्जिन के बारे में एक्सप्लेन किया। उन्हें इस बार मेरा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और हमने पहले ही दिन फैक्ट्री में 50,000 ऑर्डर्स तैयार किए। वो मेरी सक्सेस का दिन था। मेरे बारे में कई न्यूज़पेपर्स ने स्टोरीज भी डाली, कैसे एक टीनेजर बिलियनर बन गया। मुझे और मेरी ग्रैंड मदर को प्रिंस चार्ल्स ने बर्मिंगम प्लेस में बुलाया और सुपर जैम को नेशनल म्यूजियम ऑफ स्कॉटलैंड में भी रखवाया गया। इसके बाद मैंने कई और नए बिजनेस स्टार्ट किए। मैंने कॉफी का बिजनेस खोला, मैंने बियर का सब्सक्रिप्शन बिजनेस खोला। मेरे बहुत सारे आइडियाज फेल भी हुए लेकिन इन सभी से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं। सबसे पहला लेसन जो ऑथर बताते हैं, वो कहते हैं कि लोग बिजनेस के बारे में बहुत स्टडी करते हैं। ये लोग बुक्स पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और बहुत सी रिसर्च करते हैं और उन्हें यहाँ तक पता होता है कि इस हफ्ते का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया कौन सा है। लेकिन ये लोग कुछ भी क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर उन्होंने कुछ ट्राई किया और वो नहीं चला तो उनका क्या होगा। ऑथर ऐसे लोगों को कहते हैं कि हमें अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में डरना नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने आइडियाज को ट्राई करते रहना चाहिए। अगर हमारे 10 में से 9 आइडियाज भी फेल हो गए तो वो लेसन्स हमारी MBA डिग्री से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। हाँ, उसके लिए हमने थोड़े ज्यादा पैसे तो खर्च किए हैं, लेकिन उनका एक सक्सेसफुल आइडिया उन सभी की कॉस्ट कवर कर लेगा। लेसन नंबर 2, टेल एवरीवन अबाउट योर आइडियाज। ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग अपने आइडियाज को कभी किसी को बताते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका आइडिया काफी यूनिक है और अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो उनका आइडिया कॉपी हो जाएगा, जबकि 99% केसेस में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके पास एक यूनिक आइडिया होता है। और सक्सेस हमें सिर्फ आइडिया से नहीं मिलती, उसके एग्जीक्यूशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम अपने आइडिया को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो लोग हमें बता सकते हैं कि हमारे आइडियाज में क्या मिसिंग है और क्या लूप होल्स हैं, जो हमारे लिए काफी वैल्यूएबल और हेल्पफुल होंगे। लेसन नंबर 3, ऑथर कहता है कि जो भी बिजनेस आइडिया हमारे पास है उसे 2 तरीकों से वैलिडेट करना चाहिए, कि अगर हमारा बिजनेस चल गया तो हम क्या करेंगे और अगर जो हमने सोचा है वो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ये थिंकिंग हमें थोड़ा और ज्यादा क्रिएटिव बनाती है। लेसन नंबर 4, ऑथर कहता है कि हमें हमेशा लो इन्वेस्टमेंट से ही ट्राई करना चाहिए, इवन जब हमारे पास बहुत सारे पैसे भी हों। इससे होता ये है कि हम जल्दी बता सकते हैं कि जिस आइडिया को हम सोच रहे थे वो अच्छा है क्या, क्या वो आइडिया मार्केट में भी वर्क कर रहा है। तो इसलिए लो इन्वेस्टमेंट से ही मार्केट के मूड को जानना चाहिए और धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए। आइडियाज को टेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए, इसे एक ट्यूशन फीस की तरह लेना चाहिए। वैसे भी तो हम कोचिंग क्लासेस में पैसा इन्वेस्ट करते ही हैं। लेसन नंबर 5, ऑथर कहता है कि इंटरनेट आने से बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। पहले एक टीम मेंबर ढूंढने के लिए महीनों लग जाते थे, लेकिन आजकल हम सिर्फ 2 दिन के अंदर एक टीम मेंबर ढूंढ सकते हैं। ऑथर ने 48 घंटे यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर एक आइडिया को एग्जीक्यूट किया है और उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था, और ये था उनका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, और ये सब उन्होंने नॉर्मल शॉपिफाई की वेबसाइट खोल के किया। इसलिए जितना जल्दी हो सके इंटरनेट पर अपना बिजनेस लाने की कोशिश करें। लेसन नंबर 6, एड स्टोरीज टू एक्सप्लेन योर आइडियाज। ऑथर कहता है कि मैं अपने सुपर जैम के बिजनेस को स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेथड ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है और इससे हमारे कस्टमर्स हमारे साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। और गाइज, यही वो स्टोरी आपको इस वीडियो के लास्ट तक लेकर आई है। गाइज, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास लड़का मिलियनेयर बन गया और वो भी बिना कोई ज्यादा इन्वेस्ट किए। गाइज, हमें लगता है कि उनकी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये था कि सिर्फ आइडियाज से कुछ नहीं होता, उसके एग्जीक्यूशन का उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। गाइज, ऑथर का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। गाइज, ये पूरा वीडियो
फ्रेजर डोहर्टी की बुक 48 आवर्स स्टार्टअप से इंस्पायर्ड है। आई होप गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आप इस वीडियो और इस बुक के ऑथर को आउट ऑफ 10 कितना रेट करना चाहोगे।